क्या स्किल्स, अगर आप वापस जाएं अपने आर्टिकलशिप में, या मैं आपको मौका दूं किसी तरह टाइम मशीन में बैठ के, चलो जी वापस चलते हैं, तो आप अपने आपको क्या स्किल्स सिखाना चाहोगी, क्या लर्निंग्स आप लेना चाहोगी कि आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी ये जो फर्म वाली लाइफ है उसमें और एक्सेल कर पाती, उसमें और आगे बढ़ पाती, तो कौन सा स्किल आप अपने आपको सिखाना चाहेंगे या कौन सा स्किल आप रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को? सर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे ऐसा लगता है कि सीए में आपको बहुत सारी नॉलेज दे दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती। लाइक GMCS MCS 15-15 दिन के होते, कितना आप सीख लेंगे। ऑफिस में भी ऐसा, मे भी कहीं जगह ऐसा कल्चर नहीं होता है कि आप किसी से उस तरह से बात करो। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिस पर हम काम कर सकते हैं जब हमारे एग्जाम्स हो जाएं एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। तो वो जो पीरियड है उसको यूटिलाइज करने के लिए यू कैन इन्वेस्ट इन दीज स्किल्स। सो ये एक चीज है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक लीडरशिप स्किल ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यू हैव टू मैनेज अ टीम, यू नो, सो उसके लिए आप उस पर भी काम कर सकते हैं। थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स, एज आई सेड, कि उस पर भी आप काम करें तो वो बहुत ज्यादा आपको you know, रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि सर सीए इतने साल तक आप करते हैं तो आपको पता सब कुछ चल जाता है, बट इट जस्ट अबाउट कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे आप सामने वाले के सामने रखते हैं कि हाँ वी आर कैपेबल इनफ टू हैव दिस जॉब एंड हैव दिस अपॉर्चुनिटी। थोड़ा प्रेजेंटेशन पर हमें थोड़ा काम करने की जरूरत पड़ती है सीए में। राइट, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली अपने करियर में चार चांद लगा सकते हैं। नेहा, मुझे ये बताइए कि अब किस तरह के स्किल्स बनाएं हम लोग, किस तरह के स्किल्स डेवलप करें? तो ड्यूरिंग दीज 3 years, ये जो 3 साल वो पढ़ाई करता रहता है, उस समय वो किस तरह के स्किल्स एक्वायर करे? एंड आपने बताया वो 2 साल की अब ट्रेनिंग भी हो गई है, तो उसमें किस तरह के स्किल्स एक्वायर करें? तो लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स। आपको क्या लगता है कि, क्योंकि अब आपने 2 employers देख लिए हैं, एक टाटा कैपिटल जैसी कंपनी देख ली, आप एक और पब्लिक कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट? तो ये कंपनी किन स्किल्स को वैल्यू करती है, क्या चाह रही है ये? तो सर, सबसे पहले तो जब आप पढ़ाई करते हो, 3 साल का आपका ड्यूरेशन होता है, तभी तो आई वुड एम्फसाइज कि आप पढ़ाई पे ही फोकस करो। एक बार CS क्लियर हो जाओ, फिर इंटर्नशिप में आपको मौका मिलता है अपने स्किल्स को डेवलप करने का। तब आप लोग एक अच्छा सा कंप्यूटर जो स्किल होता है, कोर्स होता है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बीइंग अ CS आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, PDF हो गया, you know, Adobe, ये सब बहुत बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे किसी ने नहीं कहा था, मुझे फिर बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो ये कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए। सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि हम जो होते हैं वो मीडिएटर होते हैं बिटवीन गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एंड द कंपनी, तो हमें दोनों के साथ कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। हम लाइक डायरेक्ट एक्सेस है हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, तो हम हमारी जितनी अच्छी इंप्रेशन बनाएंगे, जितना अच्छे से बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, उतनी अच्छी कंपनी की रेपो बढ़ेगी। तो इफ यू नो हाउ टू स्पीक, you know, एकदम कन्विंसिंग टोन के साथ अगर आप बात कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होने चाहिए। एंड थर्ड, मैं ये बोलूंगी कि आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा, क्योंकि आप डिफरेंट लोगों के साथ बात करने वाले हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ डील करने वाले हो। हर एक डिपार्टमेंट आपके पास आने वाला है कि अरे यार हमको BR चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। तो यू शुड बी वर्सेटाइल इन हैंडलिंग ऑल द Things. क्या स्किल्स आपको लगता है कि एक स्टूडेंट को साथ में लेके चलने चाहिए ताकि कल को वो अपने आप को IIMs वाले से कंपेयर कर पाए? देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्पिरेंट, जब मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क सीखता हूँ अपने ऑफिस में, आर्टिकलशिप बहुत अच्छी जगह होती है यार, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देती है। अगर आपने बहुत अच्छी और सोच समझ के आर्टिकलशिप ली, ट्राई करो उस जगह पे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपनी ब्रश ऑन करने का। बिकॉज क्या होता है ना, मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसमें लेग बिहाइंड कर रहे हैं। उनको काम तो सारा आता है, बट दे आर नॉट एबल टू शोकेस टू दी पीपल इन द इंटरव्यू कि यार भाई मैं उस लेवल का बनता हूँ जो उनको कंपनी में रख लेना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तुमने ब्रश अप कर ली ना, तो मतलब तुम 2x हो जाओगे, तुम्हारे वर्क को 2x कर लोगे अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़ी है तो। बिकॉज काम तो तुम सारा सीख रहे हो, तुमको नॉलेज भी पूरा भरपूर दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से, बस तुमको उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, जो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ही सिखा सकते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या टिप्स देना चाहोगे मोहित? मतलब बहुत वेग नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो क्या कम्युनिकेशन स्किल में आपके हिसाब से क्या चीज़ें वो सीखें या किन चीज़ों को वो जो है अपनाएं जिनसे उनको एक्चुअली में स्किल आ पाए थोड़ा बहुत? हाँ जी, देखो, एक तो ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बोलते हैं मैं हिंदी मीडियम का हूँ, क्या मैं इंग्लिश में करना चाहिए कैसी है? फिर उनको बोलते थे हाँ दोस्तों को इंग्लिश में तो ट्राई करना चाहिए, प्रेजेंटेशन वगैरह भी बढ़िया हो जाता है, आगे भी इंग्लिश का जो है, हम ये नहीं कहेंगे, हम कंपेयर नहीं कर रहे थे दोनों लैंग्वेज को, बट कहीं ना कहीं यू नीड टू एक्सेप्ट कि कॉर्पोरेट्स में वो लैंग्वेज चलने वाली है। तो यू नीड टू ब्रश अपॉन योर इंग्लिश राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज वो आगे जानने वाली है। अब किसी एज एन सीए एस्पिरेंट को उठा लो ना, उसको बोलो कि यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं घबरा जाएगा, ऊपर नीचे होगी चीजें। तो आपको सबसे पहले तो अपनी इंग्लिश पर वर्क करना पड़ेगा बॉस, बिकॉज वो आगे जाके काम आएंगी। और जब तुम फर्स्ट अपने एचआर से बात करोगे ना, वो भी तुमसे इंग्लिश में बात करने वाला है। तुम ये थोड़ी ना, हाँ बोलने के लिए तो बोल देंगे हम आपको कि नहीं भैया तुम कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हो तो जो है तुम हिंदी में बात कर लेना अपने इंटरव्यूअर के साथ, आर्टिकलशिप वगैरह में जाते हो तो ठीक है हिंदी में बात कर लेना सबके साथ, कहने में अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। बट अगर तुमको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहिए दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि 2x 5x खुद को मल्टीप्लाई करना, तो यू नीड टू ब्रश अपॉन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स टू दी मोस्ट। सेकंड चीज है तुम्हारी वोकेबुलरी में प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। ऐसे नॉर्मल वोकेबुलरी से बात करोगे, वो टर्म्स यूज नहीं होगी, सारे सही एड्रेस नहीं करोगे चीजों को, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एन सीए एस्पिरेंट। मतलब अंग्रेजी पे कमांड होनी चाहिए अगर मार्केट में डिमांड बनानी है तो। गजब सर, राइट। व्हाट एल्स, मतलब ठीक है इंग्लिश पे बच्चा एफर्ट करेगा, व्हाट एल्स आपके हिसाब से? आप प्रैक्टिस में हो तो क्लाइंट से, और एंड आई एम श्योर कि शायद प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा अंग्रेजी काम ना है, और क्या स्किल्स हैं और क्या ऐसे एस्पेक्ट है जो आप कवर करके चलते हो कि जिससे आप क्लाइंट से अच्छा कम्युनिकेशन कर पाओ? नहीं नहीं सर, जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस में इंग्लिश इतना काम भी नहीं आए, इट डिपेंड्स अपॉन आवर विजन। देखिए आप क्लाइंट्स कौन से कैटर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार अगर लिंक्डइन पे भी किसी ने मुझे मैसेज किया तो मैं उससे फटाक से गूगल मीट पे कनेक्ट करूँ और उसको बता दूं तेरा इनकम टैक्स रिटर्न में क्या दिक्कत आने वाला है। अरे यार अगर मैं उसको प्रेजेंट उस हिसाब से करूंगा जिस हिसाब से मेरा बंदा आया है, अगर उसको इंग्लिश में समझ में आती है बात, अगर वो अपनी कंपनी में इंग्लिश में बात करता है सबसे, तो अगर मैंने 2-4 सेंटेंस इंग्लिश में यूज कर लिए तो वो भी समझेगा कि हाँ चलो ठीक है पढ़ा लिखा आदमी है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना बैलेंस बनाना होगा। और बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं इंग्लिश स्किल्स को कि नहीं इंग्लिश लोग इसलिए बोलते हैं ताकि वो जो है और ज्यादा बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश इसलिए भी बोलना चाहिए कि आप अपना नॉलेज अच्छे से शेयर कर पा रहे हो सामने वाले को, क्योंकि अगर वो इंसान नॉर्मली इंग्लिश यूज करता है और अगर आपने उसको इंग्लिश में चीजें समझाई थोड़ी बहुत, तो वो भी समझेगा कि हाँ यार ही इज द पर्सन हु विल बी टेकिंग आवर वर्क वेरी सीरियसली एंड डिसिप्लिन मैनर। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज लगती है कि इंग्लिश काम में आती है दोस्त। राइट राइट। नहीं मैंने ये तो आपने बता ही दिया था, इसके अलावा मैंने पूछना चाहा कि और क्या इंटरपर्सनल स्किल है जो आपको काम में आता है अपनी प्रैक्टिस में? इंटरपर्सनल स्किल्स, एक तो आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह बहुत होना चाहिए। जैसे आर्टिकलशिप में मैं देखता हूँ ना बहुत सारे सीए एस्पिरेंट ऐसा सोचते हैं चलो ठीक है घर का तो ऑफिस है, टी शर्ट वगैरह जींस वगैरह पहन के चले जाते हैं, अगर स्मॉल साइज है मिड साइज फॉर्म है तो चलो ठीक है यार क्या है सर का तो ऑफिस, और सर भी कभी मायने नहीं करते क्योंकि ठीक है सर भी समझते हैं ठीक है अपना सिटी में ऑफिस इतना ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये मेरी आदत थी कि मैं कोशिश करता था कि यार कम से कम 2 से 3 फॉर्मल शर्ट्स वगैरह हो, एक पैंट हो चलेगा ठीक है, उसको रिपीट कर सकते हो आप शुरू से वो करो। जब आप सीए एस्पिरेंट हो ट्राई टू बी दैट मच डिसिप्लिन, दैट मच शोकेस योरसेल्फ इन सच अ वे कि हाँ यार आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो। मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना नॉर्मली ठीक है चले आए काम कर रहे हैं, जब आप उस ड्रेसिंग सेंस में अपने आर्टिकलशिप में भी जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में खुद की विजन बना रहे हो कि मैं एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ऐसा रहूंगा। ये एक दिन का तो काम नहीं है ना कि सीए फाइनल रिजल्ट आ गया तो आज तुम सीए एस्पिरेंट हो और कल तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। इट इज अ प्रोसेस व्हिच मेक्स यू प्रोफेशनल। तो ड्रेसिंग सेंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स मैंने कहा। तीसरा आपके प्रेजेंटेशन में आनी चाहिए कि नॉर्मल जो टूल्स है, एक्सेल के टूल्स हो गया, पावरपॉइंट हो गया, वर्ड आ गया, ड्राफ्टिंग आनी चाहिए कि यार जैसे तुमको सब कुछ सिखाया जाता है कि यार एग्जाम में मेरे को ना थ्योरी का पेपर कैसे लिख के आना है कि शुरू में ऐसा स्टार्ट होना चाहिए, प्रोविजन से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में उसका वो आ जाए कि क्या स्टोरी चल रही, नीचे कंक्लूजन आ जाए। तो आप अपनी लाइफ में उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो? वो तो लाइफ में तो आपको और ज्यादा काम में आने वाली। ठीक है आपने मान लो मिड साइज फर्म से कोई काम सीखा है, वहां पर बस ठीक है नॉर्मल चलता रहता है, तो यू आर द वन जिसको ये भी सीखना है कि बिग फोर में कैसे काम आ रहा है, वो भी तो सीखना तुमको जरूरी है ना, उस लेवल का भी तो नॉलेज तुमको होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट को अपने माइंड में को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि मैं वो बंदा होगा जिसको एक परफेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले रास्ते पे चलता दिखूं मैं खुद। बस ऐसा नहीं कि चलो ठीक है बन रहे तो बन रहे, फिर तुम कंपेरिजन करते रहो, खुद को बोलते रहो कि अरे यार नहीं बन। सही बात है, एक्शन लो और कंपैरिजन छोड़ो। यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक और आप लोगों को बताना चाहूंगा skill91.com के बारे में। अगर आप लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, तो विजिट कर सकते हैं skill91.com। अगर कोई डिस्काउंट चल रहा होगा, कोई कोड चल रहा होगा तो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ जाएगा और साथ साथ में आपको पिन कमेंट में भी दिख जाएगा। इंजॉय कीजिए skill91.com पे स्किल बिल्डिंग कोर्सेज को, और मेरा एक्सेल वाला कोर्स जरूर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस समय एनरोल्ड हैं। ऑल द बेस्ट। किस तरह के स्किल्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं एक यंग फ्रेशर के लिए? किस तरह के स्किल्स आप रिकमेंड करेंगे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं? अच्छा, तो सर रेलेवेंट तो मैं बोलता हूँ सब कुछ है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है आज के डेट में। अगर एनालिसिस भी होता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं किया तो हम लोग एनालिसिस करेंगे कैसे? सारा का सारा आगे का लाइन खत्म हो जाएगा। तो रेलेवेंट सब है, सबको अपना इंटरेस्ट जानना चाहिए पहले। और आजकल का जो ट्रेंड अभी हम लोग देख रहे हैं ना, सब लोग ज्यादातर प्रोन है हाई पैकेज वाली सैलरीज में जाने के लिए। तो वो तो सर दो ही डोमेन में मिलता है इंडिया में हाई पैकेज, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग। इसमें हाई पैकेजेस मिलते हैं। तो आपको अगर ये सब में एस्पायर करते हो आप जाने के लिए, तो 2-3 तरीके हैं। वो एफडीडी में या फिर कोई भी वैल्यूएशन वाली प्रोफाइल से, M&A टैक्स से, ये सब डोमेन से आप स्टार्ट करोगे ना तो यू कैन इजीली रीच देयर। तो आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। आप कोई शॉर्ट कोर्सेज कर लो। आफ्टर सीए ना लोग हो गया भाई, अब तो हो गया, आप कुछ भी और करो ना इम्प्रूवमेंट। सर कंपनी आज भी रेडी है ना मुंह मांगा दाम देने के लिए, उनको लोग नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही सैलेश। मैं एक बात जानना चाहता हूँ शांतनु के, किस तरह के स्किल्स आज की डेट में मार्केट में फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा डिमांड में है? एक एचआर क्या देख रहा है? और अब आप भी एक स्टार्टअप रन कर रहे हो तो आप भी डेफिनेटली हायरिंग कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं इस तरह की प्रोफाइल्स को भी आप लोग आज नहीं तो लेटर ऑन यू विल बी हायरिंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फुल टाइम रोल्स। तो आप किस तरह के स्किल्स देखोगे, या आज की डेट में किस तरह के स्किल्स जो है मार्केट में एचआर्स और कंपनीज, स्टार्टअप्स लाइक स्विगी एंड यू नो एस्टैब्लिश्ड एंटिटीज लाइक आईटीसी दे आर लुकिंग फॉर? सर इन 2 वर्ड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। Can this person solve problems? And when I say problem solving, I mean, can this person understand the problem? Can this person use data, analyze data to arrive at the root cause of the problem? And is this person experienced enough to recommend multiple solutions, multiple hypotheses for solving the problem? And then has the guts to actually go ahead and solve the problem, to pick up a stream and then solve for it. So I think जो भी क्रैक कर लेता है ना प्रॉब्लम समझना और सोल्यूशन देना, इसका सबसे ज्यादा डिमांड है आज के दिन। जितने बार भी मैं CFOs in different companies, including Meesho, Swiggy, Flipkart, Mitra, everywhere, whenever I talk to them, they say, यार शांतनु, CAs are very good problem finders. They are not very good problem solvers. We have to bridge that gap. गलतियां निकालना तो आ जाता है इंटरनल ऑडिट और ऑडिट करके, बट सोल्यूशन तो दो, या सोचो तो सही कि क्यों हो रहे हैं प्रॉब्लम्स और फिर इसका सोल्यूशनिंग क्या हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ऐसा करता है, आई एम नॉट ब्लैंकेटिंग इट, बट दैट इज देयर परसेप्शन आल्सो, एंड दे देमसेल्व्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। राइट राइट। तो प्लीज मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है ये स्किल जो क्रैक करता है ना फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग टू सोल्यूशनिंग, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट स्किल्स। डेटा एनालिटिक्स इज ग्रोइंग रियली फास्ट, people are looking, तो क्या हो रहा है ना स्पेस में भी, there are a lot of engineers who are doing a lot of data mining, वो algo लिख कर डेटा को निकाल रहे हैं, बट उसको बिजनेस डिसीजन में कन्वर्ट करना, वो उस वहां पे एक MBA या एक CA की जरूरत है। और मुझे लगता है एक CA के पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी लेंस है, बेटर देन एन MBA probably, other than marketing. A CA brings in a technical angle to it, a legal angle to it, right, a cash flow angle to it, कि भाई मत करो कैश फ्लो 12 महीने आउट, खत्म हो जाएगा कंपनी अगर ये सारी चीजें करोगे तो आई फील कि वहां पर उन नीशेस में डेटा एनालिटिक्स वगैरह व्हिच इज ग्रोइंग, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी बोला कि टॉप पे अभी डेटा एनालिटिक्स एज अ स्किल इन इटसेल्फ, राइट? सो इफ यू मैरी दिस सीए स्किल टू द डेटा एनालिटिक्स स्किल एंड यू स्टैक दीस स्किल्स टुगेदर, क्रेजी रिसोर्स हो जाते हो आप, मतलब आप मोस्ट थॉट आफ्टर रिसोर्स हो जाओगे इन द वर्ल्ड। और एक चीज लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे कि काम क्या किया, एंड आई डोंट मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल्स की इंग्लिश बोलना आना चाहिए, हिंदी में भी अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो सही तरीके से कि आप कर क्या रहे हो और करना क्या चाहते हो, तो वहां पे भी सीखने की जरूरत है थोड़ी सी। आपने 2 बातें बोली नंदनी, स्किल, तो अब आपने इतनी कॉर्पोरेट लाइफ देख ली है, आप एक बहुत छोटी उम्र में PwC के अंदर गई, फिर आपने BCG के अंदर अपनी लाइफ आपकी चल रही है, बढ़िया। क्या स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि यार ये स्किल तो आज की डेट में नॉन नेगोशिएबल है, ये तो अगर जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है उसकी जॉब कभी अच्छी लगेगी नहीं और वो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं? क्या स्किल सेट, अगर आप 2-3 भी बताना चाहते हैं बताइए, और उसकी रैंकिंग करके अगर बताएंगे तो और अच्छा होगा कि नंबर 1 पे आप किसको देखते हैं? अगर आज आप BCG आपको बोलते हैं नंदनी प्लीज़ हमारे लिए हायरिंग करो, बाई चांस ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आप किस तरह के लोगों को हायर करना चाहेंगे? फर्स्ट स्किल वुड बी कम्युनिकेशन, सेकंड वुड बी the flexibility or the adaptability which is reflected in your voice. And third thing is, how do you look at a problem or maybe the problem solving skills? So when I say communication, it is not around English or Hindi. It is about how effectively you are able to convey your thoughts to other person. So for example, जैसे हम क्लाइंट से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, हम MTP से भी इंटरेक्ट करते हैं. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्लाइंट, इट्स अ वेरी ग्रेट कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बट होता है कि किसी को हिंदी में बात करनी है और अगर कोई साउथ से बिलोंग करता है तो उसको प्रॉपर इंग्लिश में बात करनी है. सो एट दैट टाइम यू हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ. सो अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल है, सो फॉर फ्यू पीपल दे माइट फील लाइक कि अगर किसी धंधे की बात करनी है तो हिंदी में वो कंफर्टेबल है. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने थॉट्स को इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज. Second thing is, which I said, I would be looking at flexibility and adaptability. So I personally feel that consulting कोई acquired knowledge नहीं है कि आपने 3 books पढ़ी और 4 books पढ़ी and you can become a consultant. It's like a skill. And it is more like कि अगर आप कोई नई इंडस्ट्री का केस सॉल्व कर रहे हो, आप कोई नया बिजनेस देख रहे हो, then how flexible you are. So for example, आपको 2-3 दिन में पूरा बिजनेस का एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेना होता है कि इंडस्ट्री काम कैसे कर रही होती है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, एंड उसके लिए योर माइंड शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव. तो मेरे साथ क्या है, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद है, मुझे नई नई इंडस्ट्रीज के बारे में जानना पसंद है, तो मुझे मजा आता है ये बात करने में. एंड आजकल इफ यू विल सी विद AI एंड एवरीथिंग, अब तो ChatGPT भी आ गया है, तो जितनी भी स्किल्स हैं वो ऑटोमेटेड हो रही हैं. सो अगर आपको किसी भी चीज का आंसर चाहिए, आप ये सारे सॉफ्टवेयर पर डालो एंड दे आर एबल टू आंसर दोज थिंग्स. सो लाइक व्हाट आर द स्किल्स जो अभी AI वगैरह नहीं कर सकते? इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? व्हेन यू जॉइन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कल को आपको बोले कि नहीं, अभी ये रोल से ये रोल में शिफ्ट होना है या फिर स्लाइटली चेंजेस करने हैं आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कितने फ्लेक्सिबल हो वो नई चीज को करने के लिए. एंड थर्ड पार्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन फेसेस सम प्रॉब्लम्स. फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिजनेस प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट द वे यू अप्रोच इट. कभी कभार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड हम अनऑर्गेनाइज्ड वे में उसको अप्रोच करते हैं, सो वी मिस आउट ऑन सम रियली गुड ऑप्शंस. So the first way whenever a problem comes is to think of broad framework कि ठीक है ये problem है, इसके 2 broad solution हो सकते हैं, under those 2 broad solution ये sub solutions हो सकते हैं. So thinking in a more structured way, in a calm manner. And even cases पे भी ऐसा होता है, इतना pressure चल रहा होता है, किसी को भी right solution पता नहीं होता. And actually client हमारे साथ agree करता है हमारे approach पे कि हमने क्या approach लिया है. That's a logical approach. Then he thinks okay you are thinking in the right way and let's go ahead with that. But no one knows, market is uncertain. अगर 3 साल बाद market uncertainty में react करा, then we also don't know. But we have taken the right approach, so that's why people agree with us. Right, right. Structure आपका सही होना चाहिए problem को solve करने का. Communication skills, मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, McKinsey के employees आए, बेन से आए, BCG से आए, सब कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स. आज मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे इम्प्रूव करें. आपने, मैंने और आपने बोल दिया और हमने थोड़ा बहुत बता भी दिया कि इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश या आपको अपनी बात अच्छे से कन्वे करनी आनी चाहिए, बट क्या स्टेप्स लें इस तरफ कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हों? टू प्रैक्टिस मोर, टू ऑब्जर्व मोर. सो आई वुड गिव एन एग्जाम्पल. जब मैं स्कूल में थी तो एक एंकरिंग अपॉर्चुनिटी आया था एंड उससे पहले ना कभी भी मैंने स्टेज पे नहीं बोला था, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या एक्सपीरियंस होता है. बट मुझे थोड़ा नई नई चीजें ट्राई करने का शौक था, तो मैंने सोचा कि ठीक है एंकरिंग करते हैं. तो उन्होंने पूरा प्रिपेयर किया, काफी चीजें सिखाई कि ये बोलना है, पूरा स्क्रिप्ट था. एंड देन आई वेंट ऑन टू द स्टेज एंड देन एवरीवन सेड कि इट वाज अ यू नो गुड पिच और ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल the one thing that you should do is taking the first step. कई बार हम घबराते हैं कि ये नई चीज है तो हमें नहीं करनी चाहिए या फिर लोग क्या कहेंगे and all of that. After that आपको feedback लेना चाहिए continuous. So for me also, कोई भी अगर meeting होती है या फिर कोई भी public speaking session कुछ भी होता है, I always ask for my feedback. Like what can I improve? क्या चीजें अच्छी थी, क्या चीजें improve हो सकती हैं. So next thing is continuous feedback. थर्ड थिंग इज टू ऑब्जर्व. सो लेट्स से अगर आप कोई टॉक शो देख रहे हो या फिर मे बी अगर आपको वेब सीरीज देखना पसंद है, सो यू कैन वॉच वेब सीरीज एज वेल. देन मे बी आप सूट्स जैसी वेब सीरीज देख सकते हो. लाइक मेरी सूट्स पर्सनली फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट है. उसमें द वे दे कम्युनिकेट व्हेनेवर दे आर डूइंग एनी डील विद समवन एंड कोई नया केस आया है तो वो उसको कैसे सॉल्व करते थे, तो वो सब मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था। तो ये सब चीजें देखा कि लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड रीडिंग मोर आर्टिकल्स, तो उससे आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। सो वो चीजें आपको हर जगह फिट करनी पड़ेंगी एंड उसके लिए यू हैव टू बी पैशनेट कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेली इंप्रूव करनी है। These are the things you can do. अब मुझे पूछना है कि क्या स्किल्स हैं जो एक कंपनी सेक्रेटरी को मदद करते हैं ग्रो करने में, सैलरी बढ़ाने में, एज अ प्रोफेशनल ग्रो करने में? ऐसे क्या स्किल्स हैं, ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं जहाँ से वो जो है वो ग्रो कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी? सर स्किल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हर क्रिकेटर विराट कोहली नहीं होता, वैसे ही अगर आपको कुछ डिफरेंट बनना है, मतलब जो भी फील्ड में हो आप उसमें आपको कुछ बड़ा बनना है, तो आपको थोड़े ज्यादा स्किल्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप कोई भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जाओ वैल्यू एडिशन कर पाओ। तो बेस्ट और सबसे बड़ा स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं रीजन भी बताऊंगा जो भी स्किल्स बता रहा हूँ। पहला हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका ये रीजन है क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ता है विद इंटरनल, जो भी आपके इंटरनल टीम होती है और एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ। इंटरनल में आपके डायरेक्टर्स हो गए, आपके टीम मेंबर्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, और एक्सटर्नल में हो गया जैसे आपका सेबी का कम्युनिकेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कम्युनिकेशन होता है, आपके जो शेयर होल्डर्स है जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के 25 लाख 30 लाख शेयर होल्डर होते हैं, इतने शेयर होल्डर्स के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, इतने रिप्रेजेंटेशंस आपको डालने हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको आरटीए के साथ कम्युनिकेट करना है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेट करना है। तो पहला हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप फेस हो कंपनी का, मतलब आप कुछ भी होगा लीगल इश्यू तो आपको जाके बताना है कि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो। आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे लगता है कि हम जो प्रोफेशनल्स होते हैं CA CS वो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। जब मैं आपको मेरा खुद का बताता हूँ, वो मेरा खुद का अच्छा नहीं था, ग्रेजुअली मैंने ये लर्न किया और अभी मतलब थोड़ा सा अच्छा हुआ है पहले के कंपेरिजन में। तो हमको ये कहीं पे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स बोलते हैं, वो हमको सिखाया नहीं जाता हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो ये एक मुझे लगता है कि ये हमारे इंस्टीट्यूट वाले इस पे कुछ काम कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स है उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी थोड़ा अगर नॉलेज मिले, प्रेजेंटेशन स्किल्स का नॉलेज मिले, तो ये एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा स्किल एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप खुद को कितना अपडेटेड रखते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CS का जो काम ही होता है, जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं, वो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नए सर्क्यूलर आते, कुछ अमेंडमेंट आते, तो आप कैसे खुद को अपडेट करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो अपडेशन है, कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है। आई थिंक ये तो हर जॉब में ही, हर किसी भी आप प्रोफाइल में काम कर रहे हो तो ये वाले स्किल्स तो आपको डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए।